दोस्तों नमस्ते, आज हम बीकानेर के प्लेटफार्म नंबर 6 पर हैं और जैसा आपको स्टेशन का बैकयार्ड दिख रहा है, खूब घने बादल से आच्छादित है बीकानेर। आज लगता है जैसा मौसम ने पूर्वानुमान किया है कि बीकानेर में 3 से 5 तारीख के बीच थंडर शावर और ब्लेसिंग शावर्स प्री मानसून की बौछारों से शायद तर बतर होने वाला है। तो आज हम इसीलिए दो गाड़ी शूट करने आए हैं। पहली गाड़ी है 2489 बीकानेर से दादर वेस्टर्न, जो कि वाया भीलड़ी होके चलती है बीकानेर से। इसके अंदर WDP 4D का BGKT का लोको इसको लेके जाता है। फर्स्ट डिपार्चर की बात करें तो अक्टूबर 20, 2020 को इसका पहला डिपार्चर हुआ था और लास्ट अराइवल इसका जो संभावित है वेनसडे जून 30 को होगा। अगर ये एक्सटेंड नहीं हुई तो 30 जून इसका लास्ट होगा दादर जाकर। ट्रेवल टाइम की बात करें तो 21 घंटा 25 मिनट ये कुल लेती है। स्कूल 16 हाल्ट रस्ते में लेती है। डिस्टेंस 1226 किलोमीटर का कवर करती है और एवरेज 57 किलोमीटर की स्पीड आती है। कोविड स्पेशल ट्रेन है इसलिए इसका किराया थोड़ा ज़्यादा है। बीकानेर से ये 3 बजे राइड चलती है ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, यानी कि दोनों हनुमान जी के वार है। ट्यूसडे और सैटरडे को ये बीकानेर से 3 बजे चलती है और दादर 12:25 पे एक रात की जर्नी के बाद क्रमशः वेनसडे एंड सैटरडे संडे को पहुंचती है, बुधवार और इतवार को पहुंचती है। ये है थोड़ा सा दादर का की बात। इसकी अगर कोच कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 AC का एक डब्बा लगता है, 3 AC के इसमें 6 डब्बे लगते हैं, स्लीपर के 7 और सेकंड के 2-4 डब्बे लगते हैं और SLR के D2 2 लगते हैं। आज दादर में EMD के ट्विन लग रहे हैं, बहुत रेयर होता है, ये पहली बार जा रहा है मैंने देखा है इसको। एक EMD को उन्होंने वैसे बंद ही कर रखा है क्योंकि खाली अकेला EMD ही सक्षम है इसको ले जाने में। और देखिए ये गाड़ी के लिए सिग्नल हो चुके हैं और गाड़ी चलने को तैयार। तो इस गाड़ी का ये गाड़ी जैसे ही जाएगी आगे 3 बजे सामने उदरामसर में इसको मिलेगी 6053 जो मदुरई से चल के आप बीकानेर आने वाली है अनुव्रत एक्सप्रेस, उसका क्रॉस होएगा जिसके कि हमने कई बार आपको क्रॉस जंगलों में दिखाया है। आज हम उसको भी अनुव्रत को भी यहीं से हम शूट करेंगे और कोशिश करते हैं कि शायद आज भगवान का अगर मेहरबान हो जाए, भगवान कोई ब्लेसिंग शावर से नहाती हुई भारतीय रेल और इसका एक अद्भुत अलौकिक दृश्य आपको दिखाने की चेष्टा करूँगा। देखते हैं मौसम बन रहा है, शायद आ जाए। तो दोस्तों लगातार देखते रहिए।
रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप और तीखी लू चलने के बाद जब इन डेजर्ट के अंदर मानसून आता है तो चारों ओर खुशहाली हो जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जैसे आज बड़ी सुंदर हवाएं चल रही हैं और एक खूब सुखद मौसम भी बन चुका है। बारिश होते देखना भी एक खूबसूरत बात है। बारिश के आगमन पर भी मोर की आवाज़ सब से नाचता है और कोयल भी मीठी मीठी आवाज़ें सुनाती है। मानसून के ये प्री मानसून का शावर है। मौसम विभाग के अनुसार आज 3 से 5 तारीख के बीच में बरसात होने की संभावना जताई जा रही थी। आसमान में काले और सफ़ेद बादल चारों तरफ से आच्छादित हो चुके हैं और बहुत तीखी गर्मी के बाद आज बादल आकाश से आच्छादित एक घिरा हुआ है और इस ऐसे खूबसूरत सुहाने मौसम में गाड़ी जो आ रही है 60/53 अनुव्रत AC सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन आ रही है। ये मदुरई से चल के बीकानेर की ओर आने वाली है। लोको की अगर बात करें तो मदुरई से लेकर सवाई माधोपुर तक इसमें ईरोड का WAT-7 इलेक्ट्रिक इंजन लगता है और सवाई माधोपुर से बीकानेर तक इसमें BGKT का WDP-4D इंजन लगता है। इस इंजन का रिवर्सल दो जगह होता है, सवाई माधोपुर जंक्शन में होता है और नागदा जंक्शन में होता है। LHB का फुल प्लेस रेक है। फर्स्ट डिपार्चर इस गाड़ी का 22 अक्टूबर 2020 को मदुरई से हुआ था और लास्ट अराइवल अगर ये एक्सटेंड नहीं हुई तो सैटरडे जून 26 को इसका लास्ट अराइवल होएगा, बीकानेर आकर टर्मिनेट हो जाएगी अगर ये एक्सटेंड नहीं हुई तो। कुल ट्रेवल टाइम की बात करें तो 52 घंटे 5 मिनट इसका ट्रेवल टाइम है 37 हाल्ट के साथ। कुल डिस्टेंस 3060 किलोमीटर का काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करती है। एवरेज स्पीड इसकी 60 का 59 किलोमीटर है। मैक्सिमम परमिशबल स्पीड 130 किलोमीटर इसकी आती है। ये मदुरई से 11:55 पे थर्स्ट डिपो चलती है 3 से मदुरई से और बीकानेर आती है 16 बजे। दो नाइट को जर्नी करने के दो नाइट की जर्नी करने के बाद सैटरडे को 16 बजे आती है, परंतु आज ये गाड़ी 3 बजे आ रही है, 3:10 पे ही आ रही है। ये गाड़ी बहुत बिफोर है, 1 घंटा बिफोर आ रही है, तो एंजॉय लीजिए बस। और बीच में बरसात भी शुरू हो रही है, एंजॉय लीजिए।
पहली बरसात आ रही आती है तो चारों तरफ से खुशी की लहर दौड़ जाती है। बरसात के आने से केवल मनुष्य ने जीव जंतु पशु पक्षी सभी बहुत खुश होते हैं। पेड़ पौधे भी वर्षा ऋतु में नहाकर तरोताज़ा हो जाते हैं, वृक्ष हरे भरे लगते हैं, पक्षी बहुत कलरव का गान करते हैं, धरती भी झूमने लगती है, मिट्टी से खुशबू महक उठती है, फसलें झूम उठती हैं। और ऐसे में भारतीय रेलवे इन गाड़ी के अंदर नहाती हुई आती है तो उसका एक अलग ही विलक्षण आनंद है। तो आज हम आपको जो दिखा रहे हैं वह है बरसात के अंदर इंडियन रेलवे दोनों का कॉम्बिनेशन। प्री मानसून शावर में भारतीय रेलवे के द्रुत चालकों द्वारा चलाई जा रही भारतीय रेल जो स्टेशन पर उसके नहाते हुए आ रही है उसका हम एक साक्षात्कार डिजिटली आपको वर्चुअली व्यू दिखा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको आनंद आएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर जरूर लाइक करना। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा ग्रेट थार डेजर्ट से। कमेंट के लिए आपको पुनः याद दिलाऊंगा, अपने कमेंट मुझे अवश्य दें, कमेंट का मुझे बेताबी से इंतज़ार रहता है। और कमेंट ही एक ऐसा माध्यम जिससे हम आपस में संवाद कर सकते हैं, तो आपके कमेंट का मैं बहुत इंतज़ार करूँगा। कमेंट देखकर कृपया अनुग्रहित करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।